जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से उस पाक जात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। आपको बड़ा पसंद आया ये? हाँ यार, ये इतनी खूबसूरत जगह है और इसकी तामीरात बड़ी प्यारी है। जी माशाल्लाह। और खेत मैं खलियान साथ है। जहाज भाई, खेत ही खेत हैं, अच्छा खेत ही खेत हैं, और उसके दरमियान ये एक 70 साल पुराना बंगला है। 70 years old, अच्छा 70 साल पुराना सही। बंगला है ये, जिसमें आज तक कोई रात नहीं गुजार सका। अच्छा, आज तक सनी 70 साल में जी कोई भी जी रह नहीं जी सका। जी जी जिसने कोशिश भी की वो आधी रात को उठ के चला गया यहाँ से। अच्छा। और ये कोई चौकीदार, ये कोई माली, ये कोई मजदूर नहीं बता रहा आपको, अच्छा ये इस जगह के मालिक बता रहे हैं आपको। अच्छा जो इस जगह के ओनर हैं अच्छा वो बता रहे हैं ये बात, जिन्होंने अपनी आंखों से यहां मखलूकात को देखा। अच्छा तो ये क्या कि अच्छा अनवर भाई, ये इस जगह के मालिक हैं। बनाया तो उन्होंने, बड़ा प्यारा है रोज माशाल्लाह। आते हैं सुबह 6 बजे अच्छा और ठीक शाम 6 बजे यहाँ से ये कूच कर जाते हैं। अच्छा दरवाजा खोलते हैं दिन में, सामान डाला निकाला, गए सामान रखा सामान निकाला, 7 से 8 साल बाद सफाई करते हैं अच्छा अंदर की। 7 से 8 साल? 7 से 8 साल बाद, इन्होंने अपने मुंह से बताया। ये तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है सर। जालियों के कपड़े बन चुके हैं अंदर, ऐसे वो कपड़े नहीं लटक रहे होते, वो जाले हैं बेसिकली जिनके कपड़े बन गए हैं। दीमकें आधी लकड़ी खा चुकी है, कई कमरों के दरवाजे नहीं हैं, अच्छा हर खिड़की के तकरीबन शीशे टूट चुके हैं। पर इन्होंने मखलूकात को देखा है यहाँ पर। कहते हैं कभी गीदड़ की शक्ल में, कभी गधे की शक्ल में, अच्छा कभी किसी का सर नहीं है, अच्छा कभी इतने इतने बच्चे हैं, इतने इतने शराज भी, अच्छा। फुट फुट के इन्होंने देखे हैं खुद सही यहाँ पर। अरे बहुत सारे हैं, इतने इतने। कहते हैं एक खातून है जो घुंघरू पहनती हैं, अच्छा, और जिनको मैंने देखा है। बड़ा ताजुब है यार सजाद भाई, अल्फाज में भी आपने सरकटा बोला तो मुझे वो चनेसर हॉल्ट वाला सरकटा याद आ गया यार। तो जानवरों में सरकटा, वो तो इंसानों में था। जानवरों में सरकटा, आधे जानवर आधे इंसान। कहते हैं ये कद के मैंने देखे, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? ऊपर कमरे जो दूर से आप ये देख रहे थे ना, ये दूर से जो आप ये देख रहे अच्छा, हैं, अच्छा ये छत जो है, ये छत के नीचे जो है ना वो ये यार सजाद भाई, ये जो तामीरात है, अभी हम बच्चों को लेके मैं मरी गया था तो मुझे वहां दिखी थी ऐसी ना, तिकोनी। देखिए जो ठंडे इलाके हैं हमारे, अच्छा वहाँ ऐसी बनाई जाती है, अच्छा ऊपर जो है वो लोहे की चादर बांधी जाती है सही, ताकि बर्फ जो है ना वो स्लिप हो जाए। अच्छा इस मकसद के लिए, छत पे अगर सीधी होगी ना तो बर्फ पे बर्फ ही होती रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गिर जाएगी छत आपकी तो ये स्लिप हो जाए। ज़ियारत में भी हमने यही देखा, बर्फानी इलाके में जी। अब 70 साल पुराना, उस दौर में क्या सोच होगी जो उन्होंने ऐसे बनाया इसको। अब लेकिन ये तो ये हमारे सिंध के इलाके में ही है, तो हीट पड़ती है। मेरा कहने का मकसद ये था, ये किसी शौकीन मिजाज ने तामीर कराया है, मतलब स्टाइल रखा है इसके अंदर एक ना। शाज भाई वो ऐसे शौकीन मिजाज हैं जो इस मखलूक के बारे में बात ही नहीं करते। अच्छा इन्होंने आज तक उससे बात नहीं की, इन्होंने आज तक उससे कोशिश नहीं की, ये नहीं जानते कि ऐसा कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है। साफ इन्होंने कहा सही, इनके बड़ों ने भी इनको कुछ नहीं बताया। अच्छा बस इनको ये पता है कि वो है यहाँ पर सही। रात को इस जगह के सामने एक थल्ला सा है सीमेंट पे, इनका कोई मजदूर सो रहा था। रात के 2 बजे 1:30 2 बजे किसी ने उसका पांव पकड़ा जोर से। अच्छा इनका जानवर होगा, जंगली जानवर कोई, कुत्ता बिल्ली वगैरह कुछ, भेड़िया चिड़िया। कहते हैं वो इंसान था। अच्छा जब गौर किया तो वो औरत थी, रात के 1:30 2 बजे इस जगह पे सही। अगर आप चाहें तो उसको दूर से भी दिखाइएगा कि ये है कहाँ पे। सर आपको कहते हैं ना कि तकरीबन कोई एकड़ों पर आपको ये वाहिद बंगला नजर आएगा। हो हो। ये जनाब उसकी फोर सीलिंग होती है ऊपर चादरों के बीच में, जो कि खाली है। अच्छा इधर की भी और साथ वाले कमरे, ऊपर 2 कमरे, दोनों की यही हालत सही।
ये देखिए ये तो पूरी झड़ चुकी है, ये जंग आलू तो चुकी है, गिर चुकी है, ये तोड़िए क्या है ये? ये ऊपर सीमेंट की चादर है, ये लकड़ी की फोर सीलिंग है। सही, अच्छा। ऊपर इन्होंने तपिश से बचने के लिए मौसम माहौल को टेम्परेचर किया था, लेकिन वो उजड़ चुकी है। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक गढ़ होता है मखलूकात। अच्छा, आप अगर बहुत ज्यादा आप हॉलीवुड की जो मूवीज रही हैं, जो उनकी रिसर्च उसमें भी आप नोट करें, दिखाते हैं घर भी ऐसे होते हैं। सही सही, जहाँ उनकी फॉर सीलिंग होती है और वहाँ वो मखलूक का बसेरा ज्यादातर दिखाया जाता है। वजह आना जाना नहीं होता। सही है, सन्नाटा, कोई वीरान जगह, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, ना कोई आता है ना कोई जाता है। जैसे हमारे कुएं होते हैं, गार होते हैं, तहखाने होते हैं, सीढ़ियों के नीचे की जगह होती है। सही, ये हमने ज़ियारत में डिस्कवर किया था, जब हमारे ऊपर ही फोर सीलिंग के ऊपर ऐसे वो शोर हो रहा था जैसे कोई भाग रहा है, आ गया कोई मौजूद है, कोई मखलूक भागती हो। ये हमने वहाँ डिस्कवर किया था कि यार ये जो इस तरह की छतों के बीच में जो ये गैप होता है ना, ये ज्यादातर मेरे ख्याल से मखलूकात का जो है ना बसेरा होता है। सही। अच्छा जी सर, ये क्या है? ये बड़े अरसे बाद जनाब हमें ये यहाँ पर जगह जगह ना, खासकर एक कमरे में यहाँ में बहुत सारे बड़े सर वाले ऐसी ये ड्राइंग्स मिली। ये एक दो शायद में कम से कम 30-40 होंगी। अच्छा, 30-40 होंगी? 30-40 कम से कम। जब कोई आता नहीं 70 साल से, तो ये कौन बनाता है? कौन बनाता है? हाँ, कहते हैं वो ही बनाते हैं। अच्छा, कहते हैं वो ही बनाते हैं ये। अच्छा, एक बड़ा अजीब शक्ल है कि वो जो अजीब और गरीब होंगी। ज्यादातर वहां पे जो पिक्चर्स थी ना, उनके पेट में एक और पिक्चर थी। अच्छा, ज्यादातर जो वहां पे पिक्चर्स थी, अच्छा, सबकी हाइट इतनी थी। सही, जितने भी है ना आपको इतने इतने ही मिलेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ नीचे मिलेंगे, नीचे होते ना, चलो कोई कभी कोई बच्चा आ गया उसने बना दी, सिर्फ बड़ी हाइट पे मिलेंगे आपको। अच्छा, काफी बड़ी हाइट पे भी, बड़ी हानी। और ये जैसे मैं आपको दिखाया कि ये तस्वीर है, इसके पेट में एक और तस्वीर है। अच्छा, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, पिक्चर के अंदर पिक्चर बनाई हुई है, स्पेशली पेट के अंदर। ये देखिए हमने गौर करके दिखाया यहाँ पर, ये शक्ल, हाँ ये अलग हो गई। सही, चार चार उंगलियां बनी हुई थी, लंबी लंबी। सही, अच्छा, ये हम नोट कर रहे हैं इस चीज को कि पेट में जो है ना कोई दूसरी चीज है। और यहाँ भी कुछ बना हुआ था, एक अजीब सा चेहरा। अब तक के हमने जितने भी वो किए हैं पिक्चर, ये बिल्कुल यूनिक है, मतलब कुछ शक्ल वाजे भी नहीं हो रही, फिंगर टाइप की उंगली लग रही है, फिंगर टाइप की शक्ल में ही कुछ बनाई हुई है और कोई एक दूसरे से मिलती नहीं है। अच्छा, सब की सब डिफरेंट। मैं इस पिक्चर पे आया हूँ अब, ये तो डेविल लग रहा है, कान लग रहे हैं जी, जी, जी। जानवर हो। अच्छा, जानवर हो, जैसे दो कान देख रहे हैं ना, गधे के, कुत्ते के, बिल्ली के, इस तरह के होते हैं ना। और इसके पेट में एक कोई इंसान नुमा चेहरा जो है ना, या कोई बच्चे नुमा चेहरा बनाया गया। पहले तो मुझे लगा वो डेविल की शक्ल है, जैसे वो सिंगे निकले हुए होते। जी जी, और ये बहुत ऊपर हाइट पे है, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरी हाइट के ऊपर ये बनाया गया, ये बना इसके पेट में, ये पेट के अंदर भी पूरी शक्ल बनी हुई है। जी, 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 जी। तो सजाद भाई, आप औरत बता रहे हैं, तो अब मेरा बात करनी है, तो कोई औरत को प्रेगनेंसी में मारा गया है या उसके साथ ऐसी कहानी है? क्योंकि ये तो मतलब औरत से रिलेटेड चीजें हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने ना डमलोकी इस जगह का नाम है जी। अच्छा, डमलोकी, यूनिक नेम है, मैं अभी शायद करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा इसको। वो बकायदा हमने पूरा एड्रेस पूछा है इनसे। सही, और ऐसे भी मिलता जुलता वर्ल्ड है ना जो एरिया है ये। सही, ये आपने बात की कि प्रेगनेंसी वाला मामला, हाँ, इन्होंने जो भी तस्वीरें बनाई ना वो बच्चों के पेट में बच्चों को बनाया हुआ है। अच्छा, और इन्होंने जो अपनी आंखों से देखा कि जब वो बीच वाले कमरे में गए हैं एक दिन ना, थोड़ा सा लेट हो गई है, उतना काम ज्यादा होगा, वापसी में देर हो गई, सामान छोड़ने आए अंदर, कहता नीचे फर्श पे बैठे हुए बहुत सारे इतने इतने बच्चे। अच्छा, अब जब इन्होंने इतने इतने बच्चे का और जब मैंने तस्वीरें देखी तो मुझे तो लगा यार ये तो जो बात कर रहे हैं वो तो ये सामने बनी हुई है। अच्छा, कहते उन्होंने ही बनाई होंगी ये।
सही, उन्हीं की शक्लें होंगे। मुझे ना बार बार एक बात कह रहे थे ये कि हम उनको नहीं देख पा रहे लेकिन वो हमें देख रहे हैं। अच्छा, हम उनको नहीं देख पा रहे लेकिन वो हमें देख रहे हैं। सही, वो हमें सुन रहे हैं। बहुत समझने को इन्होंने इतनी बार रिपीट किया ये जुमला कि मैं, मुझे लग रहा था शायद ये भी उनको देख पा रहे हैं जिस कॉन्फिडेंस से बता रहे थे। ये आपने ऊपर देखा, ठीक, ये नीचे देखें, इधर देखें, इधर देखें, कोई एक भी ऐसा नहीं था जो बिल्कुल सेम या मिलता जुलता हो। कहीं एक बॉय का टच आ रहा था, कहीं एक बेबी का टच आ रहा था, सही, कहीं एनिमल का टच आ रहा था, लेकिन साइजेस जो है ना वो छोटे ही थे। चलो बच्चा हो ना, शरारत में बच्चा हो, नीचे बना दे, चलो एक एक जगह पे उसने छोटी सी स्टूल रख ली, कोई फट्टा रख लिया, ऊपर बना ले, मेरी हाइट पे बने हुए। सजाद भाई, ये इतना ब्लैक है, इतना डार्क है, इसको लाइनिंग करने में ही तकरीबन, एक तो बनाने में आधा घंटा लगेगा, इसको डबल ट्रिपल लाइन करने में 4 घंटे लगेंगे। कोई बच्चा इतने वरान इलाके में ठहर ही नहीं सकता। सही, और क्यों आएगा बनाने के लिए? कंफर्म किया क्योंकि हमने भी वहां पर आवाजें सुनी। अच्छा, और आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमने सिंधी जबान में आवाज सुनी। अच्छा, मैंने सिंधी बोली वहां पर। सही, उस मखलूक को मुखातिब करने के लिए। अच्छा, हमने जुमले सुने, हमने गुफ्तगु सुनी और बहुत हद तक रिकॉर्ड भी की। अच्छा, हमने कुछ ऐसी उराने की आवाजें सुनी जो आज से पहले नहीं सुनी थी हमने। सही, हमने जंपे मारी यहाँ से। जंपे मारी क्यों? सीढ़ियों से जंपे मारी। ओए होए, कुछ चीज सामने आई क्या? मैं वही बात है ना शिराज भाई के, बताऊं क्या, जो देखकर हम जज करते हैं ना, मैं चाहूंगा कि मुझे बताया जाए इस बार, मैं बताता हूँ ना, मैं क्लियर करता हूँ। सही, तो सही। मैं चाहूंगा कि मुझे बताया जाए कि ये क्या था। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? यूनिक जगह है शिराज भाई, मतलब अगेन कुछ ऐसा हुआ जो समझ से बालातर। सही, कोई मेरे पास लॉजिक नहीं। हम कोई आधा एक घंटा सर पीटते रहे वहां पर अपना, बार बार फुटेज चेक करते रहे लोकेशन पे। अच्छा, बाहर निकल के यहाँ पे बार बार चेक करते रहे कि यार ये हमें लग रहा है कोई धोखा हुआ है, हमें लग रहा है कोई धोखा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, बार बार यकीन कर। सही, आपसे अर्ज तो कर रहा हूँ कि हमने जंपे मार दी सीढ़ियों से। तो कंफर्म किया हमने इनसे, ये क्या चीज है? गर्ल लग रही है ना, बेबी गर्ल। हाँ, ये वाकई, ये वो जैसे फीमेल बच्ची की शक्ल बन रही, छवि बन रही है। अच्छा, वो बार बार ये कह रहे हैं कि नीचे तो है ही है, ऊपर बहुत है। अच्छा, नीचे तो है ही है, ऊपर बहुत है, उनका पूरा खानदान है, और इनको भी पता है, इनके बुजुर्गों को भी पता है, उनके बुजुर्गों को भी पता है, 70 साल पुराना ये घर है ना। सही, उस वक्त से ही चलता हुआ आ रहा है मामला। तो ये नहीं पता चल सका आपको कि घर बनने के बाद ये चीजें जाहिर हुई हैं, उससे पहले से मौजूद होंगी? यार चांसेस ऐसा लग रहा था कि शायद पहले से ही मौजूद थी। सही, दिन में होते थे, रोशनी का भी पहले, आज भी मसला है उस एरिया में, तो पहले तो बहुत ज्यादा होता होगा, तो दिन में तो मामले रहते थे, रात में आज भी कोई नहीं गुजारता यहाँ पे, जिसने गुजारी है वो भाग्य है। तो कैसे गुजारेगा, इतनी खौफनाक जगह यार ये, इतनी वीराने में चारों तरफ कोई भी नहीं, आदम ना आदमजात। मुझे जाते हुए कहते हैं ये क्या है? ये देखिए, अच्छा देखी, हाँ उसके पेट में देखिए, हाँ एक तस्वीर और है। अच्छा, ये जो शक्ल बन रही है ना, बार बार मुझे बच्चों की पोयम थी हम्प्टी डम्प्टी, शायद बस उसकी शक्ल जहन में आ रही है। तो वो ये इस इलाके में क्या ऐसा है कि वो बच्चे इंग्लिश पोयम पढ़ते हो, जो ट्रांसक्राइब करें या उसको ड्रॉ कर सके? मैंने इनसे पूछा कि यार हमने भी आवाजें सुनी है, हमें आवाजें आ रही है, कहता है आपके सामने आप देख लें, कोई नहीं है आसपास, काफी दूर तक भी कोई नहीं है। सही, मैंने आपसे अर्ज की ना कि शिराज भी मेरी हाइट तक बनी हुई थी। अच्छा, और हम्प्टी डम्प्टी एक कैरेक्टर था जो पूरा एक अंडे जैसा था, और नीचे उसकी दो टांगे थी। जी 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 जी, ये तकरीबन करीब तक वो नहीं है। हाँ। फिर इसका टमी देकर, टमी के बीच में वही बनाना तस्वीर है, तीसरी चौथी, जिसके बीच में ये जो है ना। सही, तो क्या ये चीजें ये किसी को खा जाती हैं, पेट में हजम कर जाती हैं, जानलेवा चीजें जान लेती हैं? इशारा यही जाता है, इशारा यही जाता है कि कुछ ऐसा ही है। तो ये जिंदा चीज मौजूद है पेट के अंदर? पहले तो मेरा उस तरफ ध्यान किया था, प्रेगनेंसी की तरफ। अगर ये औरत से मामला नहीं जुड़े हुए और इंसान, मतलब ऐसी मखलूक से जुड़े हुए, तो उसका मतलब ये हमला करके नुकसान पहुंचाती है। एक तरफ ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे बच्चों को खाते हैं, एक तरफ ऐसा लग रहा है कुछ जानवर बच्चों को खाता है।
इस तरह की तस्वीर जो है ना ये आई हमारे सामने। ये जो एक तस्वीर आई थी ना बीच में इनकी, जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, छह बज चुके थे सर, ये देखिये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये बीच में तस्वीर है, छह बज चुके थे और ये अनवर भाई जो है ना ये जा रहे थे, टाइम इनका हो गया था और ये इजाजत लेके हमसे जा रहे थे। वहां इन्होंने मुझे बुलाया, यहाँ ये बाइक पे बैठे हुए अपनी, सही, इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा मैंने देखा है उस औरत को, अच्छा, उसने घुंघरू पहने होते हैं, ठीक रात के 1:30 या 2 बजे वो जंगल से आती है और ऊपर जाती है सीढ़ियों से। अच्छा, मतलब रिहाइश उसकी कहीं और है, 1:30-2 बजे आती है, 1:30-2 बजे आती है, तो उसका मकसद ये, मैं गया हूँ सीढ़ियों पे, उन्होंने कांटे लगाए हुए, एक अजीब सा पाइप जो है ना, जैसे कोई होता है ना कोई ट्रस पास ना करे कोई जाए ना ऊपर, वो भी लगाया हुआ, मैंने खुद हटाई है वो चीजें। अच्छा, मैं आपसे आज तो कह रहा हूँ कि मैं चाहूंगा कि यहाँ जो हुआ मैं बताऊं क्या आपको, आप देखिएगा और मैं चाहूंगा इस बार मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। और सही, वो हुआ शिराज भाई जो हमने आज से पहले नहीं देखा, वो ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा, वो बस मैं आपको क्या क्या बताऊं शिराज भाई, समझ लें हम खुद ना, आपको बताऊं ना, कई बार हमने वीडियोस को चेक किया, कई बार हमने ऑडियोस को दोबारा चेक किया रस्ते में वहीं पर कि यार ये क्या हो गया है और ऐसा कैसे हो सकता है। सही, बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक पैरानॉर्मल, एक सुपर नेचुरल, बियॉन्ड दिस, अच्छा, बियॉन्ड दिस, सही, बियॉन्ड इमेजिनेशन। मुझे तो जल्दी दिल चाह रहा है कि मैं इसको, बिल्कुल, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप भी देखें। हाँ, ये एडिट लाइन पे आई है, मुझे बताएं, और मुझे शायद ये लगता है कि सबसे ज्यादा सवाल भी आपके होंगे। हाँ, लाजमी, अभी मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है आपको लहजे से पता चल रहा है, तो जगह इतनी प्यारी खूबसूरत, उसमें एक वीराना और फिर ये जो तस्वीरें बनाना, इसके पे इतनी हैरानगी की बात हो रही है, फिर वो औरत के मामला जी, और फिर ये क्या कहते हैं कि ये सबसे बड़ी ताज्जुब की ये पेट के अंदर जो तस्वीर है ना, अभी तक हमने जितनी भी एपिसोड किए जहाँ हमें ऐसी चीजें मिली, हमें साइन मिले, ऐसा नहीं मिला कि पिक्चर के अंदर पिक्चर मिले, मतलब मैसेज कुछ समझाया गया, मैसेज दिया गया कि जो आएगा वो जान से जाएगा, यही कुछ ऐसे इशारे। तो जी इंशाल्लाह इसी इतवार एक्सप्रेस न्यूज पे इतवार शाम 7 बजे आप देख सकेंगे प्रोग्राम, और समझ लें कि मैं चाहूंगा कि मुझे बताया जाए कि क्या ऐसा हो सकता है। सही, और इसके मुतालिक मजीद जब आप देखेंगे इसको तो आप भी जरा देखिएगा क्या क्या हम दिखा सकते हैं, क्या क्या हम बता सकते हैं, बताइएगा आपके पास कितने दिन है। तो फिलहाल दीजिए जी इजाजत, जिंदगी रही होगी मुलाकात इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।